Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra, lesson number 7, statistics, practice set 7.2. So dosto, abhi tak aap logon ne is channel ko subscribe nahi kiya, to please subscribe aur channel like kijiye aur apne friends ke saath share kijiye. Friends, abhi hum log 7.2 start karne ke pehle kuch basic parts dekh lete hain. Let's learn. Dekho statistics hoti kya hai? Suppose a large group population is to be studied with the particular aspects. For example, blood pressure of the senior citizen in a locality. Means एक मतलब पूरा एक large group है population का, वहां पे हमको blood pressure का निकालना है. उस locality में कितने लोग senior citizen है जिसको blood pressure है. For the purpose, a sufficiently small part of the group is selected randomly. ये इसको हम लोग को करने के लिए क्या चाहिए? इसको हमको रैंडमली कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ पब्लिक को सिलेक्ट करनी पड़ेगी. दिस स्मॉल ग्रुप रिप्रेजेंट द लार्ज ग्रुप सैंपल्स एंड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज द गैदर्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप विच इन जनरल इन न्यूमेरिकल इज द मोस्ट ऑफ द केसेस. अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे एक कोई बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप को हम लोग सबका अगर हमको ब्लड प्रेशर चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक छोटा छोटा ग्रुप बना लेंगे. द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इनेबल अस टू ड्रॉ कंक्लूजन, और उसके हिसाब से हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, निर्णय लेंगे कि क्या है. द स्टडी ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स, और इसी को क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है. मीन्स अगर कोई भी लार्ज ग्रुप में अगर कोई भी नंबर दिया गया है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जो उसका स्टडी किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है. The word statistics is originated from the Latin word status. Latin word का जो status है उसी से ही हमारा statistics निकला हुआ है. अब status की meaning क्या हो गई? Status की meaning है which means is the situation of a state. इसका मतलब क्या हो गया, status का मतलब क्या हो गया कि उस state का situation कैसा है. Means statistics का मतलब क्या हो गया कि उसका status निकालना. This suggests that the ancient times statistics was used for the administrative purpose. ये जो statistics आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका अगर हम लोग पुराने जमाने में देखते हैं, प्राचीन में देखते हैं, ancient time में देखते हैं, तो उसका administrative purpose से इसका use किया जाता था. It is used in many field of knowledge. Knowledge के लिए इसका use किया जाता था. Sir Ronald Elmer Fisher, ये जो है इनका बर्थ हुआ है 17 फरवरी 1890 में और इनका डेट हुआ है 29 जुलाई 1962 में, इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. और इन्होंने क्या किया है, स्टैटिस्टिक्स को बनाया है या हमारे लिए प्रेजेंट किए हैं. अब हम इसको पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले काम हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा. अब डेटा कलेक्शन के लिए क्या है, देखो यहाँ पे टीचर बोल रहा है, सपोज यू वॉन्ट टू नो हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड इज ओन्ड बाय एवरी फैमिली इन अ विलेज, व्हाट विल यू डू. सपोज अगर तुमको कितने लोगों के पास कितना लैंड है, ये कितनी लोगों के पास कितनी खुद की जमीन है, सभी लोगों के पास, गांव में तो बहुत सारे लोग रहेंगे तो सबके पास कितनी जमीनें हैं वो पता करना रहेगा, तो क्या करोगे. तो रॉबर्ट बोलते हैं, वी विल विजिट ईच हाउस इन अ विलेज, हम लोग सबके घर पे जाएंगे, जितने भी लोग हैं हम लोग सबके घर पे जाएंगे, एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड बाय देम, और हम लोग सबके घर पे जाएंगे और सबको बोलेंगे कि हाँ आपके पास कितना लैंड है, और वो जब बताएंगे कि हाँ हमारे पास इतना लैंड है तो हम उसका डेटा कलेक्शन करेंगे. तो टीचर बोलते हैं करेक्ट, ठीक है. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड द डेटा. हम लोग ये जो ये पूरा सब सभी किसान के बारे में जब हमने जानकारी प्राप्त किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे. जनरली इज ए न्यूमेरिकल, और ये हरदम क्या होता है, जो डेटा होता है न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल रहता है, नंबर्स रहता है. वी मस्ट नोट द पर्पस ऑफ द कलेक्टिंग इट, हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम ये कलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. इफ समवन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन पर्सनली बाय आस्किंग क्वेश्चंस टैकिंग मेजर्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी डेटा. अगर हम लोग किसी के पास पर्सनली जाकर के, इसके पास गए पर्सनली, इसके पास गए पर्सनली, सभी के पास
पर्सनली अगर हम लोग जा करके डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी डेटा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्राइमरी डेटा बोला जाएगा। आफरीन, सो द डेटा कलेक्टेड रिगार्डिंग एग्रीकल्चर लैंड एज अ रॉबर्ट सेड, जैसा कि रॉबर्ट ने बोला कि एग्रीकल्चर लैंड का जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करने वाले हैं वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा, वो क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। तो टीचर बोलती है यस वेल सेड आफरीन, हाँ तुमने सही कहा आफरीन। फिर रमेश बोलता है बट वॉट टू डू इफ यू वॉन्ट कलेक्ट अबाउट द डेटा इन अ शॉर्ट टाइम। अभी जैसे इसने क्या बोला, रमेश क्या बोलता है, ठीक है हम हर एक के पास गए, सबसे डेटा कलेक्ट किया, बट अगर हमको ये डेटा जो है डायरेक्टली कलेक्ट करना होगा, मतलब इसमें सबके घर पे जाएंगे सबसे पूछेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, अगर इसी को कम समय में करना रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो टीचर बोलता है व्हाट रमेश इज सेइंग इज राइट, जो भी रमेश ने बोला ये बात तो सही है कि अगर हमको कम समय में अगर ये डेटा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज अनदर मेथड ऑफ अ डेटा कलेक्शन, हमको यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, थिंक व्हाट इट कुड बी, ये क्या हो सकता है थोड़ा सा सोचो। फिर केतकी बोलती है वी कैन गो टू विलेज तलाठी ऑफिस, विलेज का तलाठी ऑफिस में हम जाएंगे एंड कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, और वहां पे तलाठी ऑफिस में क्या होगा, जितने भी हमारे फार्मर्स है जितने भी किसान है सारे के जो लैंड का लैंड के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो तलाठी में होगा और हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो टीचर बोलता है करेक्ट, इन सम सिचुएशंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम लैक ऑफ रिसोर्सेस वी कांट कलेक्ट इंफॉर्मेशन पर्सनली, अगर हमारे पास समय नहीं है हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है तो हम लोग एक एक से पर्सनली जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन सच केसेस वी हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इन जर्नल्स, केस स्टडीज एटसेट्रा, जहां पे रिकॉर्ड्स रखा रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगी, जर्नल में एंट्री रहेगी, फिर केस स्टडीज रहेगा, वहां से भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सच सोर्सेस इज नोन एज द सेकेंडरी डेटा, और इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। सो एज सजेस्टेड बाय कैथकी द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज तलाठी ऑफिस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर लैंड इज अ सेकेंडरी डेटा, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एक पढ़े प्राइमरी डेटा और एक पढ़े सेकेंडरी डेटा। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर हमको पर्सनली अगर हमको कहीं पे भी जाना है जाकर के वहां से डेटा कलेक्ट करना है तो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी डेटा बन जाएगा। और किसी ने अगर डेटा पहले से कलेक्ट किया हुआ है और फिर हम जाकर के वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। जैसे सपोज अगर मुझे ये पता करना है कि नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, नाइन्थ सी, नाइन्थ डी कितने स्टूडेंट्स आए हैं, मींस कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो अगर हमको प्रेजेंट स्टूडेंट्स के बारे में पता करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं जाऊंगा डायरेक्टली नाइन्थ ए के क्लास में प्रेजेंट ही लूंगा, नाइन्थ बी के क्लास में प्रेजेंट ही लूंगा, नाइन्थ सी के क्लास में प्रेजेंट ही लूंगा एंड नाइन्थ डी के क्लास में प्रेजेंट ही लूंगा, तो ये मुझे सभी के प्रेजेंट ही मिल जाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्राइमरी डेटा, मेरा क्या बनेगा, प्राइमरी डेटा। अभी सपोज अगर मुझे यही इंफॉर्मेशन चाहिए बट नाइन्थ ए की टीचर प्रेजेंट ही ली, नाइन्थ बी की टीचर प्रेजेंट ही ली, नाइन्थ सी की टीचर प्रेजेंट ही ली और नाइन्थ डी की टीचर प्रेजेंट ही ली, ये सारे के सारे प्रेजेंट ही टीचर्स ने कलेक्ट किया और डायरेक्ट में जाकर के यहाँ पे सभी टीचर्स के ऑफिस में जाकर के यहाँ पे मैं पूरा डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। मीन्स अगर किसी दूसरे ने कलेक्ट किया है और उसको हम यूज करते हैं वो डेटा लेते हैं तो सेकेंडरी डेटा, और हम खुद से जाकर के पर्सनली अगर जाकर के हम लोग कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, द चार्ट मेड फॉर इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज आते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन छपी हुई है वो होगा सेकेंडरी डेटा होगा। क्यों सेकेंडरी डेटा होगा? क्योंकि जो न्यूज है, न्यूज हम लोग हर एक जगह का न्यूज खुद से कलेक्ट नहीं किए, वो न्यूज़पेपर का न्यूज एडिटर ने कलेक्ट किया है और वो हमको डायरेक्टली मिल रहा है। हम हर एक जगह पे थोड़ी जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, केरल में जाकर के वहां पे अगर न्यूज कलेक्ट करते तो प्राइमरी डेटा, बट यहाँ पे दूसरे लोगों ने, न्यूज एडिटर ने अब कलेक्ट किया है, न्यूज रिपोर्टर ने कलेक्ट किया है, इसलिए हमारा बन जाएगा सेकेंडरी डेटा। द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स इन अ रेस्टोरेंट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ द फूड इज अ प्राइमरी डेटा। जैसे अगर हम लोग किसी होटल्स में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट का मालिक रहता है, वो हर एक कस्टमर से उसको फीडबैक मांगता है। इसका मींस क्या हो गया कि हर एक कस्टमर के पास से उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा। फिर थर्ड में है द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड बाय द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द प्राइमरी डेटा। अगर हम लोग जितने भी हमारे पास स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का पर्सनली जाकर के एक्चुअल मेजरमेंट निकालना है, किसी का 5.1 रहेगा, किसी का 5.2 रहेगा, 5.3 रहेगा, 4.3 रहेगा, जितना भी हर एक का अलग अलग जो डेटा निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, इट इज अ रिक्वायर्ड मोर टाइम। प्राइमरी डेटा को निकालते समय हमको ज्यादा समय लगता है। इट इज अप टू डेट ऑफ द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अप टू डेट रहता है। अप टू डेट का मीन्स क्या हो गया, परफेक्ट रहता है और डिटेल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। और ये क्या हो जाएगा, इट इज करेक्ट एंड रिलायबल, ये करेक्ट है और रिलायबल है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इट इज अ रेडीली अवेलेबल सो नीड लेस टाइम, ये मतलब ऑलरेडी बना हुआ रहता है इसलिए हमको यहाँ पे कम समय लगता है। इट इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, ये कलेक्टेड डेटा रहता है, वहीं से हम लोग कलेक्ट करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी अप टू डेट, इसमें परफेक्ट होता है ये कन्फर्म नहीं होता। इट मे लैक इन डिटेल्स ऑल्सो, इसकी जो डिटेल्स रहती है वो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती। और ये क्या होगा, इट मे बी लेस रिलायबल, और ये क्या होगा, रिलायबल कम होगा, मीन्स रिलायबल नहीं होगा। ये कैसा है, करेक्ट है और रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.2 करते हैं। क्या दिया गया है, क्लासिफाई फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। हमको सिर्फ ये बताना है कि ये प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल, स्कूल के हर एक क्लास के अंदर जा करके हर एक बच्चे का हमको अटेंडेंस लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्राइमरी डेटा हो जाएगा। सेकेंड में क्या दिया गया है, द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट वॉज गैदर्ड फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड एंड सेंड टू द हेड ऑफिस एज इट वॉज टू बी सेंट अर्जेंटली। मीन्स क्या हो गया कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो हाइट है उसको कलेक्ट किया गया है स्कूल रिकॉर्ड में और उसको भेज दिया गया हेड ऑफिस में। एंड इट वॉज सेंट टू बी अर्जेंटली, ये मतलब अर्जेंटली में भेजना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग से नहीं जाकर के लिया, वो स्कूल रिकॉर्ड में पड़ा हुआ था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। क्यों सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड में पड़ा हुआ था और उसको सिर्फ हमने वहां से कॉपी किया, वहां से सेंड कर दिया। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, इन अ विलेज नांदपुर, नांदपुर नाम का एक विलेज है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग अ स्कूल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नांदपुर एक गांव है, वहां पे कुछ बच्चे जो हैं वो अटेंड नहीं करते हैं स्कूल। जब अटेंड नहीं करते तो फ्रॉम कहां से कलेक्ट किया गया, कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस, हर एक घर से कलेक्ट किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक घर से वो कलेक्ट किया गया है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर साइंस प्रोजेक्ट, साइंस का प्रोजेक्ट है, इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय द विजिटिंग फॉरेस्ट। साइंस प्रोजेक्ट के लिए हमको इंफॉर्मेशन चाहिए और हम लोग वहां पे क्या कहां जा रहे हैं, बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जा करके वहां से ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना है।
तो जंगल में जा करके अगर हमको इन्फॉर्मेशन लेके आना है तो वहां पे तो कोई ऑफिस वगैरह आया ही नहीं है। मीन्स ये हो जाएगा प्राइमरी डेटा। इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि अगर हम खुद से जाकर के लेके आते हैं कोई डेटा तो वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी डेटा, और अगर किसी ने कलेक्ट किया है तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। बस 7.2 में इतना ही था।